देखिए, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक दृष्टिकोण की जब हम बात करते हैं, इससे पहले हमें थोड़ा पीछे पलटना होगा, जाना होगा, और जो थोड़ा पारंपरिक दृष्टिकोण है उसको समझना होगा। पारंपरिक दृष्टिकोण, जैसा कि हम कह सकते हैं कि यूनानी दर्शन से, या जब से प्लेटो से, या उससे और भी आगे जाएं तो सुक्रात से, हम कह सकते हैं कि ये किस तरह से पारंपरिक दृष्टिकोण का आरंभ हुआ। और पारंपरिक दृष्टिकोण की खास बात यह है कि ये बहुत ही आदर्शवादी दृष्टिकोण है, जो जिसमें शास्त्रीयता है, जिसमें नीति शास्त्र है, जिसमें दर्शन है। तो जितना भी अगर हम अपना आरंभिक ये चिंतन देखेंगे, चाहे वो प्लेटो का आप देखिए आदर्श राजा है, या न्याय का सिद्धांत है, या इसके अलावा जैसे अगर आगे हम देखते हैं, अगर रूसो की जो जनरल विल है, या उसकी जो एक आदर्श इच्छा का सिद्धांत है, या एक्विनास का है, या कांत का है, देखिए सारे ऐसे विचारक रहे हैं, आरंभिक विचारक जिन्हें हम कह सकते हैं, कि जिसमें परंपरावादी हम इनको मानते हैं, जिसमें आदर्श और नीति और शास्त्रीय अवधारणा ये राजनीति विज्ञान की कहलाती है। अच्छा, दूसरी एक चीज़ बात और है कि इनकी जो विषय वस्तु अगर हम देखें, जो आरंभिक जो नज़रिया है, इसमें राज्य है, राज्य के कार्य हैं, या शासक कहना कैसा होना चाहिए। अगर आप हॉब्स लॉक रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट या समझौता सिद्धांत देखते हैं, तो उसकी भी विषय वस्तु ऐसी है कि व्यक्ति और राज्य की आवश्यकता कैसे हुई, राज्य का जन्म कैसा हुआ। तो जो विषय इनका था, जो आरंभिक जो ये परंपरावादी जो जितने विचारक हैं, तो इनकी चाहे वो आप विषय वस्तु देखिए तो उसमें राज्य है, सरकार है, राज्य की उत्पत्ति है, उसकी शक्तियाँ हैं, इस पर ज़्यादा जोर था। और जो भी इन्होंने जिन पद्धतियों का सहारा लिया, वो या तो ऐतिहासिक हैं, या कहना चाहिए आदर्शात्मक हैं, या फिर वो दर्शन पर आधारित इनका संपूर्ण ज्ञान है। 20वीं सदी तक आते आते कुछ इसमें हमारे विषय में परिवर्तन होने लगा था। एक आधुनिक युग का आरंभ, जैसे कि आप जानते हैं कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, उससे ही आधुनिक युग का आरंभ जो है माना जाता है। और उसके साथ साथ एक नई विचारधारा, एक नई सोच राजनीति विज्ञान में जन्म लेने लगी थी, जिसे कि आधुनिक दृष्टिकोण कहा जाता है। और 20वीं सदी तक ये पूरी तरह, जैसे इसका काफ़ी एक वर्चस्व जो है नज़र आने लगा था। और इसका जो केंद्र था वो अमेरिका का जो शिकागो विश्वविद्यालय है, वहाँ से जो एक नई परंपरा का आरंभ हमारे विषय में होने लगा था, एक नई नज़र से इसको देखने का, समझने का प्रयास किया जाने लगा। इसमें देखिए कुछ ऐसे विचारक थे जिनका मैं नाम लेना चाहूँगी। डेविड ईस्टन एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है, हैरोल्ड लासवेल एक बहुत बड़ा नाम है, कैटलिन, ये देखिए जितने भी जो ये 20वीं सदी के जो विचारक हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, परंपरावादी जो दृष्टिकोण है, इसका विरोध करते हुए इन्होंने अपने विषय को ज़्यादा वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया। राजनीति विज्ञान को एक ऐसा विषय जो कि खाली राज्य, राज्य की उत्पत्ति, व्यक्ति और राज्य के संबंध, राज्य की शक्तियाँ, यहाँ तक सीमित ना होकर जो हमारी समकालीन कहना चाहिए जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को समझने के साथ साथ उनका निवारण करना भी बेहद इन्होंने आवश्यक समझा। और इसलिए इन्होंने जिस बात पर बहुत ज़्यादा जोर दिया वो था नई पद्धतियों को अपनाना। देखिए, नई पद्धतियों की जब हम बात करते हैं तो वो पद्धति जिससे आपको सही जानकारी मिले, जैसे कि पर्यवेक्षण, जो ऑब्जर्वेशन जो है, जो विशुद्ध विज्ञान में जिसको हम यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो पर्यवेक्षण है, तथ्य है। अगर डेविड ईस्टन ने जो सबसे महत्वपूर्ण उनका जो कहना चाहिए सिद्धांत जो है व्यवहारवाद, उसका उन्होंने आरंभ किया। और व्यवहारवाद में जो जोर जिस बात पर इन्होंने डाला है वो है कि हमारा जो ज्ञान है, जो राजनीति विज्ञान में अगर हम जिस बात को पर सबसे ज़्यादा महत्व देना चाहिए, वो है तथ्य पर आधारित ज्ञान, वो ज्ञान जो कि ऑब्जर्वेशन पर आधारित है। और इसके लिए अगर हमें प्राकृतिक विज्ञानों की सहायता लेनी पड़े तो इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। तो देखिए, दूसरी जो एक इसमें बात है कि एक तो इसमें तकनीक है, इसमें तथ्य हैं, बहुत ही क्रमबद्ध ये आधुनिक कहना चाहिए राजनीति विज्ञान जो एक क्रमबद्ध इसका ज्ञान है। इसमें अच्छा एक चीज़ और भी है, जो इसका विषय वस्तु है वो खाली राज्य या सरकार या संस्थाओं तक सीमित ना होकर इसका जो स्वरूप है वो बहुत ही बढ़ गया है। इसमें मनुष्य का व्यवहार है, जो संगठन है, जो कहना चाहिए जो
विभिन्न प्रकार के जो समाज में जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, या इसके अलावा किस तरह से दो राज्यों के मध्य जो संबंध बनते हैं बिगड़ते हैं, या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उस पर बहुत महत्व है, जो राजनयिक का की भूमिका होती है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। तो इसके विषय जो है वो राज्य सरकार से ज़्यादा जो महत्व दिया है वो व्यवहार को दिया है। व्यवहार चाहे वो किसी राज्य में या राजनेताओं का जो आचरण है उसका भी एक अध्ययन इसमें होता है। लीडरशिप जो नेतृत्व के जो गुण हैं वो कैसे किसी भी शासक में होने चाहिए उस पर इसका काफ़ी जोर है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कूटनीति का क्या महत्व है इसका अध्ययन है। तुलनात्मक राजनीति जो है, किस तरह से हम दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य जो है तुलना, इसका अध्ययन का विषय है। इसमें गैर राजनीतिक संगठन जो है उनको भी आधुनिक राजनीति विज्ञान से जोड़ा गया। तो देखिए, जो आधुनिक जब हम कहते हैं कि हमारा विज्ञान, या खास तौर से जब व्यवहारवाद जो इसका अग्रिम कहना चाहिए, जो अग्रणी रहा है आधुनिक राजनीति विज्ञान को समझने में, तो इसमें सबसे जो एक महत्वपूर्ण बात की गई है वो है कि इसका विषय जो है वो खाली राज्य या सरकार या संगठन ना होकर इसका अंतर्राष्ट्रीय विषय भी इसका हमारे विषय का एक कहना चाहिए, जिसमें हम शोध कर सकते हैं, जिसको हम समझ सकते हैं। तो ये जो है एक कहना चाहिए एक 20वीं सदी का ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि है कि हमने अपने विषय को दर्शन से निकालकर या ज्योतिष शास्त्र से निकालकर इसको ज़्यादा तार्किक बनाने का प्रयास किया है, इसको ज़्यादा समसामयिक बनाने का प्रयास किया है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान रहा है वो आधुनिक दृष्टिकोण में वो व्यवहारवाद जो है इसने इसको आरंभ किया। थैंक यू।